नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक भी हमारा अग्निपथ से ही रिलेटेड है। मैंने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश किया है कि किस तरह से इजराइल बहुत ही ताकतवर देश है। फ्रेंड्स, अग्निपथ के द्वारा भारत भी इजराइल की तरह बहुत ही ताकतवर देश बन सकता है। इसीलिए इजराइल कितना ताकतवर है ये जानना बहुत जरूरी है। इजराइल जो आज इतना ताकतवर है, उस ताकतवर बनने के पीछे उनके द्वारा लड़े गए और जीते गए 7 युद्धों की कहानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं 7 युद्धों को मैंने आज के वीडियो में समेटने की कोशिश किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो पैलेस्टाइन का एरिया था, जो हिस्टोरिक पैलेस्टाइन का एरिया 100% था, वो समय के साथ किस तरह से घट करके 2020 की बात करें तो वो किस तरह से घट करके सिर्फ और सिर्फ 15% बचा है। तो ये 100% से 15% का बचना पैलेस्टाइन का एरिया, और साथ ही साथ जैसे जैसे पैलेस्टाइन का एरिया घटता गया वैसे वैसे ही इजराइल का एरिया भी बढ़ता गया। ये इजराइल का एरिया बढ़ना इन सारे युद्धों के कारण ही संभव हुआ है। फ्रेंड्स, जिसमें पहला युद्ध जो है वो है इजराइल्स वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या 1948 और 49 के बीच में लड़ा गया था। कहानी यह है इसमें कि जो ब्रिटिश फोर्सेस पैलेस्टाइन एरिया में थे, जो वहां पे ऑक्यूपाइड किए हुए थे, उन्होंने घोषणा किया कि वह अब विड्रॉ करेगा। जिस दिन उन्होंने घोषणा किया था उसी के सामने इजराइल भी अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। जिस दिन इजराइल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, ठीक उसके दूसरे दिन ही जो अरब फोर्सेस है, जो इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान, जो इनके नाइबर कंट्री है, पिछले वीडियो में मैप के थ्रू मैंने बताया था कि इन सारे नाइबर कंट्री का लोकेशन क्या है। ये सारे नाइबर कंट्री जो अरब कंट्री कहलाता है, ये अरब कंट्री वाले इस्लाम के फॉलोवर हैं। जो इजराइल है वो यहूदी है, ज्यूइस के फॉलोवर हैं। एक तरह से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दो धर्म के फॉलोअर्स जो है उनके बीच एक तरह से युद्ध जो है यहाँ पे इस तरह का रूप ले लिया। इन सारे नाइबर कंट्री ने वहाँ पर इजराइल पे अटैक किया। बहुत इसमें खूंखार, बहुत ही भयानक युद्ध हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल इन सारे 5 पड़ोसी देशों को हरा करके एक विनर कंट्री के रूप में उभरा। फ्रेंड्स, जो दूसरा युद्ध की बात कर रहा हूँ वो है स्वेज जो क्राइसिस है उससे रिलेटेड। ये 1956 में हुआ था। अक्टूबर 1956 में इजराइल क्या किया कि इन्होंने इन्वेड किया इजिप्ट। इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है, आप इस मैप में देख रहे हैं कि ये सिनाई पेनिनसुला है, ये इजराइल को, इसको इजराइल ने क्रॉस कर गया। ये जो सिनाई पेनिनसुला है, आपको पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से यह इजिप्ट का पार्ट है। इस सिनाई पेनिनसुला में इजराइल जो है प्रवेश कर गया, और प्रवेश करके इजराइल बहुत सारे एरिया को कब्जा कर लिया, जैसे गाजा है, रफा है, अल अरिस है। इसराइल ने इस एरिया में प्रवेश करके हजारों लोगों को बंदी बना लिया, प्रिजनर्स बना लिया, और बहुत सारे पार्ट जो है इस सिनाई पेनिनसुला का इसको कब्जा कर लिया। मतलब स्वेज कैनाल के जो ईस्ट पार्ट है, यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला है। इसराइल अपने बॉर्डर को क्रॉस करते हुए इस सिनाई पेनिनसुला में एंट्री किया, और इस सिनाई पेनिनसुला के बहुत सारे पार्ट को अपने कब्जे में कर लिया इस स्वेज क्राइसिस के दरमियान। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वॉर है, थर्ड वॉर है, ये है सिक्स डे वॉर। सिक्स डे नाम क्यों पड़ा? ये 1967 में लड़ा गया था। 5 जून से लेकर के 10 जून के बीच में यह युद्ध हुआ था। 6 दिन चला था, इसको जून वॉर भी कहा जाता है। 6 दिन चलने के कारण इसको सिक्स डे वॉर कहा गया है। ये अरब और इजराइल फोर्सेस के बीच जो क्लैश है, ये थर्ड क्लैश था। फ्रेंड्स, इजराइल सीरिया को हरा करके गोलन हाइट्स को कब्जा कर लिया। इजराइल इजिप्ट को हरा करके इस युद्ध में सिनाई पेनिनसुला और गाजा जो स्ट्रिप है उस पर कब्जा कर लिया। इजराइल जॉर्डन को हरा करके वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया, और इजराइल जो यरूशलेम एरिया है उस पर पूर्णतः कंट्रोल कर लिया। मतलब इस 6 दिन के युद्ध में इजराइल के 6 नाइबर कंट्री एक तरफ, इजराइल अकेला एक तरफ, सारे जो 6 नाइबर कंट्री है, जो पड़ोसी देश है जो इस पर अटैक किया था, सबको हरा दिया। इजराइल विनर के रूप में उभरा, और इस तरह से जो सिक्स डे वॉर है
इसराइल के इतिहास में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है। फ्रेंड्स, इसके बाद का जो युद्ध है वो है योम किप्पूर वॉर, 1973 में लड़ा गया था। अक्टूबर 6 की ये घटना है। इसराइल क्रॉस कर गया इस बार स्वेज कैनाल को। आप जानते हैं कि अभी तक इसराइल अपने बॉर्डर को क्रॉस करके सिनाई पेनिनसुला में घुसता था, और सिनाई पेनिनसुला और जो इजिप्ट का मेन पार्ट है वहाँ पे एक रेड सी का पार्ट है और फिर स्वेज कैनाल का पार्ट है। इस बार इसराइल सिनाई पेनिनसुला में तो प्रवेश किया ही किया, सिनाई पेनिनसुला का जो पार्ट जहाँ पे स्वेज कैनाल है वहाँ पे क्रॉस करते हुए मिस्र में घुस गया। मतलब इस बार इसराइल बहुत आगे निकल गया। साथ ही साथ जो ऊपर में सीरिया वाला पार्ट है जिसे गोलन हाइट्स को कब्जा कर लिया था, इसराइल इस बार गोलन हाइट्स को क्रॉस करते हुए सीरिया के टेरिटरीज के अंदर में घुस करके सीरिया के रोड पे इसराइल का आर्मी जो है चलना शुरू कर दिया था। इस युद्ध में भी, इस योम किप्पूर वॉर में भी इसराइल बहुत ही बड़े पैमाने पे विजयी देश के रूप में उभरा। फ्रेंड्स, इस युद्ध के बाद एक संधि हुई जिसका नाम है कैंप डेविड एकॉर्ड। इस संधि जो कि 1978 में हुआ, इस संधि में इसराइल ने पेनिनसुला, जो सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का था जिसको कब्जा कर लिया था, उसको रिटर्न कर दिया। बदले में इजिप्ट ने, मिस्र ने रिकॉग्नाइज किया इसराइल का राइट। कौन सा राइट? द राइट टू एग्जिस्टेंस। इसराइल ने ये कहा कि भैया मैं मानता हूँ कि आपको यहाँ पे रहने का अधिकार है, अब मैं आप पे अटैक नहीं करूँगा। इस तरह से इसराइल और इजिप्ट के बीच में एक डिप्लोमेटिक, नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए। इस तरह से आप देखें कि किस तरह से योम किप्पूर वॉर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर है। फ्रेंड्स, इसके बाद का जो युद्ध है इसमें 1982 में फर्स्ट लेबनान वॉर हुआ था। इसका पृष्ठभूमि समझते हैं। ये जो आप इसराइल का मैप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये लेबनान का मैप देख रहे हैं, क्या होता था कि जो पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ग्रुप है वो इसराइल के बॉर्डर को क्रॉस करके लेबनान में प्रवेश कर गया और यहाँ से सारे टेररिस्ट एक्टिविटी को संचालित करना शुरू कर दिया। और जो लेबनान का गवर्नमेंट है, लेबनान का फोर्स है, वो भी इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये लेबनान का बॉर्डर और इसराइल का बॉर्डर जहाँ पे मिलता है, लेबनान साइड में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा होकर के वहाँ से इसराइल पे अटैक करता था। इजराइल को हुआ कि भैया अब तो ऐसे नहीं चलेगा। इजराइल क्या किया, वो लेबनान को चेतावनी दिया लेकिन लेबनान माना नहीं। इजराइल का फोर्स लेबनान के बॉर्डर के अंदर घुस करके, लेबनान के टेरिटरी के अंदर घुस करके, अंदर जाकर के जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, उनको सबको तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेबनान भी हार चुका था इस युद्ध में। फ्रेंड्स, इसके बाद बहुत दिनों तक इस टेररिस्ट जो घटनाएं थे वो बंद हो गया, लेकिन फिर से शुरू हो गया। और फिर यही पृष्ठभूमि थी, फिर इसी तरह की प्रक्रिया इसराइल ने 2006 में भी अपनाया। फिर से लेबनान के बॉर्डर के अंदर इसराइल का फोर्स घुस करके उस टेररिस्ट जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको बर्बाद किया, लेबनान के सेना को हराया। इस तरह से लेबनान से दो युद्ध हुए, एक 1982 में हुए और एक 2006 में हुए। इन दोनों युद्धों में इसराइल जो है विजयी रहा। इसके बाद का जो युद्ध अभी अभी हुआ है 2021 में, जो एक बैटल हुआ, इस बैटल के बारे में आप जानते होंगे। ये इसलिए बहुत चर्चा में था क्योंकि यहाँ पे इजराइल का एक डिफेंस सिस्टम था, आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसके कारण यह युद्ध बहुत ही चर्चा में रहा। फ्रेंड्स, जिस तरह से हम लोग दीपावली मनाते हैं और आकाश में रॉकेट और पटाखा का जो आप देखते हैं जिस तरह से जगमगाता है, ठीक उसी तरह से इजराइल का जो एरिया है उसमें बहुत सारे रात में खास करके दीपावली की तरह ही वहाँ पे जगमगा रहा था। तो लोगों को लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। वास्तव में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, खास करके वेस्टर्न बैंक से और गाजा स्ट्रिप से और आसपास जो इसके पड़ोसी देश हैं, खास करके लेबनान की तरफ से अटैक होना शुरू हो गया। लेकिन वो सारे जितने भी वो मिसाइल दागते थे उनको आकाश में ही, इसराइल का ये जो डिफेंस सिस्टम था, आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसको आकाश में ही बर्बाद कर देता था, उसको डिस्ट्रॉय कर देता था। मतलब उन सारे मिसाइल्स को धरती पे आने ही नहीं देता था, इसराइल का जो टेरिटरीज है, जो ज़मीन है, उस पे आने ही नहीं देता था। और इस तरह से बहुत कम संख्या में वहाँ पे हताहत हुए इसराइल लोग। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपके साथ टोटल 7 बैटल के बारे में चर्चा किया। इन सारे बैटल के कारण इसराइल जो है बहुत ही ताकतवर देश के रूप में पूरे विश्व में माना जाता है। इसराइल बहुत ही शक्तिशाली देश है।
इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैलेस्टाइन का एरिया इन सातों युद्धों के कारण घटता हुआ सिर्फ और सिर्फ 15% बचा है। फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि जरा सोचिएगा कि ऐसा क्या हुआ कि इसराइल इतना छोटा, लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, 90 लाख पॉपुलेशन है, इसके बावजूद भी इतना छोटा एरिया में होना, इतने कम पॉपुलेशन का होना, इसके बावजूद भी अपने से 10-10 गुना एरिया में बड़े देश को हरा दिया। ये अकेला था और इसके जो दुश्मन देश थे वो 6-6 देश एक साथ थे, फिर भी हरा दिया। क्यों, कैसे हरा दिया? फ्रेंड्स, क्या ये सिर्फ इसराइल की डिफेंस जो आर्मी है उसी के दम पे हुआ? नहीं, इसराइल में जो अनिवार्य रूप से सैनिक भर्ती है, जो वहाँ पे उसको ट्रेन किया जाता है, जब वो अनिवार्य रूप से सैनिक भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करके वापस सिविलियन के बीच में रहने के लिए आते हैं, तो वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम करते हैं अपने समाज को इकट्ठा करने में, अपने समाज को स्ट्रांग बनाने में, इसराइल के इकोनॉमी को, इसराइल के डिफेंस सिस्टम को, इसराइल के कल्चर को एक बहुत ही ताकतवर बनाने में इन सारे आर्मी जो कि वहाँ से रिटायर करके आते हैं, अनिवार्य सेवा देने के बाद जो वापस समाज में आते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक इसी तरह का योगदान अग्निपथ से सेवानिवृत्त होने वाले जो सैनिक होंगे वो भी करेंगे। कैसे करेंगे वो अगले वीडियो में बात करूंगा, लेकिन अगले वीडियो में हम इजराइल का जो स्पाई एजेंसी है मोसाद, उनके जो कारनामे हैं, मैं उनकी चर्चा करूंगा। तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इजराइल का क्या सिस्टम है जिसके द्वारा वह अपने सैनिकों को ट्रेन करता है, उसको रिक्रूट करता है, फिर उस अनिवार्य सेवा के रूप में किस तरह से उसको एक बिल्कुल एक अलग तरह का व्यक्ति बना करके फिर से समाज में भेजता है। फ्रेंड्स, ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आप अग्निपथ को आप समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कॉमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।